ऑफिस में बात हो रही थी तो उन्होंने कहा नहीं हमसे ना एक हफ्ते इंतजार नहीं होता है, वो हमें मजा आता है कि रोज रोज हमें देखें। हाँ और तो इसकी एपिसोड्स भी ऐसी है ना कि हर एपिसोड में कुछ ना कुछ हो रहा है, ये नहीं है कि इसमें आज क्या, आज कुछ मिस है, आज कुछ नहीं हुआ, कुछ ना कुछ हो रहा। फारिया करती जा रही है, वो थकती नहीं है, वो बस सबको तंग कर रही है, तो वो हैपनिंग है, तो शायद लोग देख भी रहे हैं। और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे शायद पहले और किसी प्ले का नहीं आया जितना इसका अच्छा आया। और मुझे लगता है कि मेरे जितने नेगेटिव होते हैं ना कैरेक्टर्स, उसका रिस्पॉन्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और वैसे भी मेरा जो है जियो के साथ, सेवन स्काई के साथ पहला प्रोजेक्ट था, 10 साल के करियर में पहला प्रोजेक्ट था जियो के साथ। तो मैं वाओ थोड़ी सी वो थी कि मैं एक तो ये नेगेटिव कर रही हूँ और लोगों का क्या रिस्पॉन्स आएगा, उसके अलावा पता नहीं मेरा अच्छा जाएगा जियो के साथ या नहीं जाएगा। लेकिन वो पहला ही इतना अच्छा गया है और सब इतना पसंद कर रहे हैं। मैं जहाँ जाती हूँ, जहाँ जाती हूँ, सिर्फ मास्टर्स की बात नहीं है, नीश भी, हर कोई पसंद कर रहा है। माशाल्लाह से दैट्स गुड। बट जब स्क्रिप्ट आया था, जब आप साइन करी थी, आपको अंदाज़ा था इतना फेमस हो जाएगा कि एक रात में 1.3 मिलियन व्यूज़, 1.4 मिलियन व्यूज़, आपको उस वक्त अंदाज़ा मुझे था? बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, मैं बस कर रही थी। और आई थिंक सेट पे किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना हिट होगा। ये पता था कि ये स्क्रिप्ट ऐसी है जो TRP वगैरह वाली लोग देखेंगे, लेकिन इतना बड़ा हिट होगा ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे आइडिया नहीं था। मुझे इस चीज़ का सबसे ज़्यादा अंदाज़ा तब हुआ, मेरे बहन भाई मेरे ड्रामा नहीं देखते, ठीक है, वो सिचुएशन अभी तक बिल्कुल नहीं चेंज हुई नहीं, है। वो नहीं होती, वो मैंने बहुत ट्राई की, नहीं होती, लेकिन वो लोग नहीं देखते ना, बात करते हैं ऐसी कोई। लेकिन अब मेरा भाई आके मुझे कहता है तुम क्या कर रही हो, ये फितरत क्या ड्रामा है तुम्हारा। कहाँ, कहता मेरे दोस्त तक, उनके अम्मी अब्बू सब वो रोज बैठ के देख रहे होते हैं तुम्हारे, मेरा दोस्त तुम्हें इतनी वो कर रहा था कि तुम्हारी बहन क्या कर रही है, ये वो कूड़ रहे होते हैं, जल रहे होते हैं, उन्हें गुस्सा आ रहा होता है, तुम क्या करो, तुम्हारा तो बड़ा हिट हो गया। और एक दफा वो गलती से मेरे सामने इसका OST भी गुनगुनाने लग गया, जब मैंने उसको देखा तो वो थोड़ा हुआ कि मैं कैसे गा रहा हूँ इसके ड्रामे का। और मुझे बल्कि सजल ने एक दफा कहा कि वो मुझसे एयरपोर्ट पे कोई मिली थी तो वो कहती हम अभी फितरत देख रहे थे, सबूर का ड्रामा और ये वो, तो मुझे ये अचीवमेंट लगी कि मुझसे माशाल्लाह लोग आके सजल की बात करते थे कि हाँ सजल सजल नहीं है आपके साथ या ये नहीं, आज सजल से पूछ रहे हैं मेरा और मेरे ड्रामे की बात कर रहे हैं। वाओ तो मुझे लगा कि यार फाइनली कुछ अच्छी चीज़ है, मतलब किया है कुछ ऐसा। नहीं नहीं बिल्कुल। एंड आई लव द OST बाय द वे। हाँ OST OST बहुत बहुत खूबसूरत मैं है। देखती रहती हूँ, लोग टैग करते रहते हैं मुझे, वो टिकटॉक पे टिकटॉक बनाते रहते हैं, मैं देख रही होती हूँ कि ओ गॉड, चले अच्छा है। लग रहा था मुझे कि ये OST जब मैंने सुना ना कि इट्स वेरी लोगों को, नाइस। क्योंकि सभी बड़े दिल जले हैं हमारी आवाम, काफ़ी हाँ किसी के साथ कुछ ना कुछ चल ही रहा है, सही तो वो बात है। सब रिलेट कर सकते हैं उससे। लेकिन जब खुद से कोई फैन रिएक्शन हुआ है, खुद के साथ, आपके साथ बहुत कोई होते कमेंट हैं। या क्या हुआ है, कुछ शेयर करें। अच्छा अब ये होता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी गुस्सा करूँ ना तो अब मुझे मेरे दोस्तों या जो भी हो तो वो कहते हैं हमारे साथ तो फारिया ना बनो, ओ फारिया तो गॉड ना बनो। अब वो मैं अपना वैसे भी नॉर्मली कुछ कर रही हूँ, वैसे मुझे चीज़ें पता चलती रहती हैं। जैसे मेरा एक AD था, वो कह रहा था कि सारी ज़िंदगी मेरे अब्बू ने कोई ड्रामा नहीं देखा और आज वो ऑफिस लेट हो गए क्योंकि वो फितरत देख रहे थे। दैट्स सो हम नाइस टू सब, हियर, हाँ इतनी खुशी होती है। भी मेरी एक दोस्त है सारा, उसका सैलॉन है सब, तो उधर से मुझे उनकी उसकी, मैं जब भी जाती हूँ ना उधर सैलॉन, सारी लड़कियाँ आ जाती हैं कि आपने ये क्या कर दिया, आपने ये क्या कर दिया, आपने, अब बताएं ना आप क्या करेंगी, आप शहबाज के साथ आप क्या कर रही हैं, ये क्या हो रहा है, वो हो रहा है। और मुझे बताती हैं वो कि एक ब्राइड थी उनकी जो कि आई थिंक वलीमा ब्राइड थी, और वो तैयार होने आई हुई थी वलीमे के लिए, उसके बाल बन रहे थे, तो उन्होंने कहा ये फितरत की आवाज़ कहाँ से आ रही है, और वो फ़ोन पे एपिसोड देख रही थी फितरत की, और वो कह रही थी कल रात देख नहीं सकी ना मैं तो वो एपिसोड देख रही थी। तो मेरे लिए ये बड़ी मजेदार बातें थी कि यार सब इतना इंटरेस्ट लेके देख रहे हैं। दैट्स ट्रू। बट फितरत आया कैसे आपके पास, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और जब स्क्रिप्ट पढ़ रही थी तब दिमाग में क्या चला? अच्छा फितरत इस तरह से हुआ कि मुझे काफ़ी दफ़ा सेवन स्काई से काफ़ी चीज़ें ऑफर हुई, लेकिन कभी स्क्रिप्ट या पसंद नहीं आई या फिर कुछ ना कुछ मसला या फिर मेरे पास डेट्स नहीं है या इस तरह के इशू होता रहा और मैं कर नहीं पाई। अब जब ये आया तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, अब उन्होंने कहा नेगेटिव, मैं पहले गुलो गुलजार कर चुकी थी, तो मैंने कहा इतना इम्पैक्ट छोड़ता है नेगेटिव कैरेक्टर लोगों पर, तो मुझे करना भी चाहिए या नहीं। तो बस मैं
पढ़ रही थी और मैं डर रही थी मुझे करना या नहीं करना. उस वक्त पूरी एपिसोड्स भी नहीं आई थी, लेकिन कुछ मीटिंग्स करके सारी चीजें करके फिर मुझे एक और इंटरेस्ट नजर आया कि मैं अपनी मर्जी की स्टाइलिंग कर सकूंगी. तो मैंने कहा मुझे कर लेना चाहिए. मैं पहले श्योर नहीं थी, लेकिन फिर अली अली अब्बास में मेरी बात हुई तो उसने कहा जरूर करना चाहिए और करना, क्योंकि ये वो ड्रामा होगा जो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा. True. तो आपको करना चाहिए ये ड्रामा. So sweet of him that he, you know, तो मैंने पूछा कि उसका ये सारी चीजें होंगी, ये वो ड्रामा होगा कि जब आपका रेटिंग का चार्ट आया करेगा रोज, तो उसमें सबसे पहले सबसे आगे आपकी पिक्चर, हाँ सबसे पहले आपकी पिक्चर आया करेगी. तो गो फॉर इट, सपोर्ट जरूर करना चाहिए. तब तक पता था कि अली इज पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट. अली का उन लोगों की पहली ऑप्शन अली ही थे, लेकिन फिर ये हुआ कि अली के पास डेट्स नहीं थी, कुछ बसने मसाइल चल रहे थे कि डे वो और प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, तो उन्होंने और ऑप्शंस भी रखी, लेकिन करते कराते उन्होंने अली को ही किया. और आई थिंक वो शहबाज पे सूट भी बिल्कुल लग रहे थे. हाँ. कि वही शहबाज है. हाँ. तो वो अच्छा ही हुआ. और जैन के साथ आपका पहला प्रोजेक्ट? जैन के साथ पहला प्रोजेक्ट. अली के साथ तो आपने काफी किया है. अली के साथ, अली की मैं बीवी भी बनी हूँ, अली की मैं साली भी बनी हूँ, अली की मैं बहन भी बनी हूँ, अली की लवर भी बनी हूँ. मैं अली की अम्मा ना बनना. अली की अम्मा मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाएगा कि बनी जाऊंगी. How's working with Ali? You guys are good friends. हाँ, अली के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती है और अली के साथ काम करते हुए हमेशा मेरे ख्याल से किसी भी अच्छे एक्टर के साथ काम करते हुए अच्छा ही लगता है. और आप बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत सी, क्योंकि सीन से पहले डिस्कशंस भी होती हैं, तो आप लोग एक वो होता है कि आप थोड़े कंफर्टेबल भी होते हैं. लेकिन अच्छे एक्टर के साथ आप अक्सर अनकंफर्टेबल भी होते हैं कि यार सही हो जाएगा और सामने वाले को पता है काम क्या है. तो मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही. बट अली के साथ तो ये कंफर्ट लेवल है कि अली विल टेल यू सबूर इसको सही करो या नहीं. हाँ, ऐसा होता था मतलब सीन से पहले डिस्कशन भी होती थी. अगर नहीं होती थी तो जैसे अगर मैंने किया है तो वो कहते थे कि मुझे लगता है कि ये ऐसे नहीं करें आप, या अगर ऐसे कर लें, या ये आंखें नहीं घुमाना, या फिर ये कि थोड़ा सा और कर सकती हैं, थोड़ा और मजा ले लें. कैरेक्टर था कि मजे लेगी भाई, वो तंग कर रही है, वो मजे ले रही है, तो वो जब तक मैं खुद इंजॉय नहीं करूंगी तो वो दूसरा भी इंजॉय नहीं कर सकता देखने वाला, कि मैं इंजॉय कर रही हूँ, मैं तंग कर रही हूँ, टीज कर रही हूँ. तो अली को तो वैसे टीज करने का बड़ा मजा आता है. तो अली बहुत सपोर्टिव रहे, क्योंकि कैरेक्टर ऐसा था ना, हमारी पहली डिस्कशन हुई थी और हम लोग जैसे डिस्कशन करते रहते हैं प्रोजेक्ट्स की और कैरेक्टर्स की, तो वो यही बात हुई थी कि एक्टिंग ऐसी करनी है कि लगे कि एक्टिंग नहीं कर रही. नहीं कर रही नेगेटिव में, वरना ऐसा होता है ना कि आंखें घुमाना, चीखना, चिल्लाना, ये करना, ज़्यादा कर देना. तो वो मुझे ये था कि मैं ओवर एक्टिंग ना करूँ, अंडर हो जाए, उसमें बचत हो जाती है, लेकिन ओवर एक्टिंग में बचत नहीं होती. तो ये किसकी तरफ, डायरेक्टर की तरफ से ही आपको आई थी गाइडेंस, या आपने खुद डिसाइड किया था? तरफ से भी मुझे भी ये था, मैं बहुत डर डर के कर रही थी कि कहीं कुछ भी ज्यादा नहीं होना चाहिए. और अली से भी जैसे डिस्कशन हो रही थी तो ये था कि आंखें नहीं घुमाना, ये नहीं करना, बहुत नेचुरल करना. और मैं इस बात पे आऊंगी, मुझे एक है मेरे पास आपके लिए एक बात, इसके लिए बाद में. मुझे ये बताएं, बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप आपके और अली के काफी इंटीमेट सीन्स हैं थ्रू आउट हर, थोड़ी बात इवन अगर निकल भी गई है शहबाज की जिंदगी से, फिर भी आके कहीं ना कहीं, अभी कल ही जब मैं दोबारा यू नो आई वाज जस्ट रिफ्रेशिंग सम ऑफ द सीन्स, तो मुझे वो बैल्कनी वाला सीन आया जिसमें आपने वो नाइटी आई थिंक पहनी हुई और बड़ी करीब आप उसको थोड़ा सा धक्का देती हैं, यू नो, तो वो नहीं, वो उसको करीब करती है, कुछ इस तरह. तो मुश्किल था बिकॉज इससे पहले मैंने आपके ड्रामे देखे उनके साथ, बट इतना, एक तो इतना फ्लर्ट किसी में नहीं था, बहुत ही सीधे ऐसा कैरेक्टर नहीं था, तो इंटीमेट सीन्स करने में मुश्किल हुई? अच्छा, या मुश्किल होती है, क्यों नहीं होगी मुश्किल, तो बिकॉज ही इज योर फ्रेंड आल्सो. हाँ, तो मुश्किल बहुत ज़्यादा होती है कि यार कैमरे पे कैसा आ रहा होगा, स्क्रीन पे क्या, और हम लोग आपस में ही वो कह रहे होते थे ये ज़्यादा तो नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है, ये क्या, लेकिन सिचुएशंस भी ऐसी हैं, क्या करके जस्टिफाई करें, कैसे करें. तो ये था कि जैसे कोशिश हमने की कि बस ना यार इससे ज़्यादा ना हो जाए, इससे ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन कुछ कर कर आके जिसपे काफ़ी इशू भी बने, चीज़ें हुई, लेकिन मैं, हम दोनों ही इस चीज़ के खिलाफ थे कि यार ये इस तरह से ना शूट हो या इस तरह से ना करें. लेकिन आई थिंक वो डायरेक्टर की भी कॉल होती है कि वो अब जिस तरह से जस्टिफाई करना चाह रहा है सिचुएशन को, कैरेक्टर को,
हमारी जितनी भी से हो डायरेक्टर की से, वो लास्ट कॉल डायरेक्टर की होती है. होनी भी यही चाहिए, होनी भी यही चाहिए. बिल्कुल. तो जब कैरेक्टर पढ़ रही थी उसी वक्त एक खाका दिमाग में बनना शुरू हो गया था कि मैं इसको ऐसे करूंगी, ये ऐसे होगी, ये ऐसे बोलेगी, ऐसे करेगी. मुझे या बस ये था, मैंने इस तरह से नहीं किया था कि ये ऐसे बोलेगी या क्या. बस मुझे ये था कि मुझे एक्टिंग नहीं करनी. अच्छा. मुझे एक्टिंग में जो कर भी रही हूँ तो एक्टिंग नजर आनी नहीं चाहिए. मुझे ओवर एक्टिंग नहीं करनी. ओके. चाहे लोगों के लिए वो नेगेटिव होगी, लेकिन उसके पास अपने आप की जो भी वो उसके एक्शन है उसकी जस्टिफिकेशन होगी. अपनी नज़र में वो नेगेटिव नहीं है, वो कुछ गलत नहीं कर रही. उसके पास सारी चीज़ें, मतलब उसको पता है कि मैं ठीक कर रही हूँ. मुझे चाहिए तो चाहिए. उस वो शायद ऐसा वक्त अपना ज़िंदगी का देख चुकी है, दुनिया को देख चुकी है. अब उसको ये सब कुछ ठीक लगता है तो वो तो ठीक है ना अपने लिए. तो मैं वो सब कुछ यही सोच के कर रही थी कि मैं ठीक कर रही हूँ. और ऐसा होता है और ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं.